एक बड़ा ही तार्किक क्वेश्चन पूछा गया महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध से ये पूछा गया कि हम तो राजा हैं और हमें युद्ध लड़ना है और युद्ध में हमें हिंसा करनी है, तो क्या हमें पाप लगेगा? तो यहाँ महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब इंसान का मकसद राजनीतिक हो, जब इंसान का मकसद राजनीतिक हो, तो राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती। समझना है इस बात को, ये मत समझ लेना साहब राजनीति में किसी को गोली मार दे, बंदूक मार दे तो हिंसा नहीं होगी। नहीं, अगर तुम्हारा खुद का साम्राज्य है और तुम साम्राज्य के उद्देश्य के लिए युद्ध लड़ रहे हो, जैसे कि एक फौजी होता है वो बॉर्डर पर चला गया, अब वो सामने वाले को तो उसका मकसद है मारना, ठीक है, वो तो ये सोचेगा मुझे तो पाप लगेगा। नहीं, अगर तुम्हारा मकसद जो है वो राजनीतिक है और तुम अपने राज्य के लिए राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो तुम पर पाप नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा था, भगवान श्री कृष्ण के अलावा श्री राम ने भी श्रीलंका के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का के लोगों के विरुद्ध लड़ा था, तो ऐसे इनके द्वारा युद्ध लड़े गए, तो इसका मतलब क्या है? संदेश देता कि टाइगर लेता, क्योंकि अहिंसा के भीतर ही जो हिंसा होती है उसके अंदर ही क्या होती है? हिंसा होती है। कोई भी भगवान, कोई भी अवतार पृथ्वी पर आया, उसने क्या किया? यहाँ की हिंसा की है। किसी को भी देख लो तुम, किसी को भी देख लो, उसने क्या किया? हिंसा की है। तो हिंसा के द्वारा ही अहिंसा की स्थापना होती है, ठीक है। जब तक हिंसा नहीं की जाएगी तब तक शांति स्थापित नहीं होती। आप लोगों को मालूम है जब कोई देश की स्वतंत्रता होती है क्या होता है? क्रांति होती है। भारत छोड़ो आंदोलन लड़ा गया, ठीक है, जर्मन की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, जापान की क्रांति हुई, क्रांतियां होती हैं और क्रांतियों के बाद ही कुछ बदलाव आते हैं। तो ये बात बिल्कुल याद रखना, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे आदमी हो, किसी भी बदलाव के लिए क्रांति करनी पड़ती है। अब मैं तुम लोगों से ये नहीं कह रहा कि तुम लोग अपने घर में क्रांति कर दो, ठीक है, अपने अंदर अपने विचारों से क्रांति कर सकते हो। तो अजातशत्रु ने ये बात बोली है, ठीक है, क्या बात बोली थी? महात्मा बुद्ध ने ये बात बोली थी कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो हिंसा की जाती है उसे हिंसा नहीं माना जाता। समझ आई बात? चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा। आप देखते हैं आगे क्या होता है।